हेलो स्टूडेंट्स, कैट कम्युनिटी में आपका स्वागत है। सॉलिड वर्क्स एकेडमिक लेवल ट्रेनिंग का आज हमारा 9th क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13 और 14, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं फाइल में न्यू पे जा रहा हूँ और यहाँ पार्ट पे मैंने डबल क्लिक किया। स्केच पे जाके मैं ये फ्रंट प्लेन को डिफाइन कर दे रहा हूँ। देखिए, इस प्रोफाइल में कुछ डेटा जो है वो गिवन है और कुछ जो डेटा है वो गिवन नहीं है। जैसे कि मैं ये अगर आर्क की बात करूँ तो इस आर्क का रेडियस जो है ये प्रोफाइल में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग इस आर्क को डिफाइन करेंगे और एक ऐसा डेटा डिफाइन करेंगे जो अप्रॉक्स जो हमारा जो ये डायग्राम है बिल्कुल वैसा हो। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं ये जो आर्क दिया हुआ है उसको मैं डिफाइन कर लूँगा, रेडियस 35 का है और यहाँ 15.5 का एक आर्क डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं कर क्या रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लाइन पे जाके मैंने यहाँ इनफाइनाइट लेंथ का एक लाइन ड्रॉ कर लिया और सर्कल में जाकर मैं यहाँ पे दो सर्कल डिफाइन कर रहा हूँ, एक सर्कल यहाँ और एक सर्कल मैंने यहाँ डिफाइन कर लिया। और यहाँ पे जो डायमेंशन है रेडियस 35 है, तो इसका जो डायमीटर हो जाएगा वो 70 हो जाएगा और इसका जो डायमीटर है 15.5 इंटू मैंने 2 कर लिया और इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है सेंटर टू सेंटर वो जो है हमारा 50 है, तो ये डिस्टेंस को मैंने 50 डिफाइन कर लिया। अब मैं लाइन में जा करके एक लाइन डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ से और मैं इस पर टच करूँगा। ठीक है, जैसे मैं टच कर रहा हूँ तो जो हमारे पेंसिल का टिप है वहाँ पे देखिएगा एक टेंजेंट का सिंबल शो कर रहा है। और ये सारे बेसिक कंसेप्ट मैंने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जा करके आप देख सकते हो कि टेंजेंट का क्या सिंबल है, टेंजेंट को कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, ये सारा मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर चुका है। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे एक स्मॉल आर्क फिर मैं डिफाइन करूँगा जिसका रेडियस यहाँ पे 11 दिया हुआ है। तो देखिएगा, मैं सिंपली यहाँ पे एक सर्कल डिफाइन कर ले रहा हूँ और उसका जो डायमीटर है मैंने 22 दे दिया। अब यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ पे आर्क में जा रहा हूँ, थ्री पॉइंट आर्क में, और एक सेंटर लाइन, इससे पहले मैं एक सेंटर लाइन डिफाइन कर देता हूँ। तो ये मैं मिड पॉइंट से डिफाइन कर रहा हूँ ताकि क्या हो, दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो हमारा ये सेंटर लाइन। अब जो मैं टूल यूज़ करूँगा वो थ्री पॉइंट आर्क है, मैं एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ डिफाइन कर दिया रेंडम और एक ऐसा प्रोफाइल मैं ड्रॉ कर लिया। देखिएगा, मैं यहाँ पे प्रोफाइल जो प्रोफाइल दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने रेंडम दो आर्क, क्योंकि आर्क जो डिफाइन किया हुआ है वो आर्क का रेडियस डिफाइन नहीं किया हुआ, लेकिन दोनों ये आर्क में देखिएगा कि दोनों जो हमारा ये आर्क है अप्रॉक्स सेम रेडियस का लग रहा है, तो इन दोनों आर्क को मैं कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ मैंने इक्वल कर दिया और इस रेडियस से और इस आर्क के बीच मैंने टेंजेंट का रिलेशन डिफाइन कर दिया। सेम यहाँ भी मैं टेंजेंट डिफाइन कर लूँगा दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके, अरे हमारा प्रोफाइल कुछ ऐसा ड्रॉ हो गया। अब यहाँ देखिएगा, ये जो हमारा प्रोफाइल है थोड़ा सा यहाँ देखिएगा क्योंकि डायमेंशन गिवन है नहीं,
मुझे अपने अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पे पहले इसको ट्रिम कर ले रहा हूँ। और ये थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ भी इसको मैंने डिफाइन कर लिया। और ये यहाँ से आर्क बनते आ रहा है, और फिर यहाँ पे प्रॉपर एक फिलेट डिफाइन किया हुआ है 6.3 का, और एक स्ट्रेट लाइन से यहाँ भी ये टेंजेंट डिफाइन किया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉर्नर पे मैं एक फिलेट डिफाइन कर लूँगा, दोनों कॉर्नर पे 6.3 का एक फिलेट यहाँ पे डिफाइन कर लिया। यस, और अगेन यहाँ पे, और ये इस फिलेट जो आर्क बनाओ इससे मैं यहाँ पे रिलेशन डिफाइन कर लिया। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे टेंजेंट डिफाइन किया हुआ, और यहाँ पर भी ये टेंजेंट डिफाइन हो चुका है। तो फिर जो एक्स्ट्रा प्रोफाइल है उसका नीड नहीं है, उसको मैं यहाँ से ट्रिम करके रिमूव कर ले रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि अप्रॉक्स जो हमारा प्रोफाइल है, जैसा प्रोफाइल दिया होता मैंने वैसा ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे कुछ डायमेंशन जो है वो रिमूव हो गया, तो मैं उसको फिर से डिफाइन कर रहा हूँ। तो अभी देखिएगा, अभी जो प्रोफाइल जो यहाँ पे गिवन है, देखिए थोड़ा सा इसको अप्रॉक्स यहाँ पे मैंने ये डिफाइन किया, और एक्चुअल हमारा ये आर्क गिवन होता तो और मैं बेटर इसको डिफाइन कर लेता। यहाँ पे एक्चुअली यही प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर डायमेंशन आ गया उन्हें, तो थोड़ा सा ये आर्क बनते हुए मैं चाह रहा हूँ कि सिमिलर इसको यहाँ पे जो रेडियस है 150 में करके देख रहा हूँ, क्योंकि मैं ये प्रॉक्स जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। सॉरी, एक रेडियस यहाँ पे मेरा मिसिंग हुआ है, रेडियस 35 का, उसको मैंने डिफाइन कर लिया, क्योंकि जब मैंने ट्रिम किया था तो वो प्रोफाइल हमारा जो था वो रिमूव हो गया। यहाँ पे 100 डिफाइन कर देता हूँ, 100। तो ये जो हमारा शेप है थोड़ा सा सुंदर आ रहा है, और मैं यहाँ पे एक रेडियस जो कि प्रोफाइल में गिवन है, और इसका डायमीटर 12.5 है, वो भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। अब देखिएगा, ये जो आर्क है, मैं इस आर्क को कंसाइड कर दे रहा हूँ, मे बी जो रिज़ल्ट है थोड़ा सा एग्जैक्ट, यहाँ एक्चुअल में मैं 90 पुट कर रहा हूँ। अगर ये डेटा मुझे गिवन रहता है 60 चलो लेकर के, ये रैंडम वैल्यू मैं इसीलिए पुट कर रहा हूँ, अगर ये मेरा एग्जैक्ट डेटा गिवन होता तो मैं और प्रॉपर इसे डिफाइन कर पाता 25 ये दिखेगा, और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दे देता हूँ 20 का। ये देखिएगा अप्रॉक्स जो मेरा प्रोफाइल है सिमिलर वैसा ही हमारा प्रोफाइल बन चुका है। तो हमने कुछ डायमेंशन को इसलिए मैंने डिफाइन किया ताकि सिमिलर, क्योंकि अगर ये ऑलरेडी ये रेडियस ऑलरेडी डिस गिवन होता तो मुझे ये कुछ डिफाइन करना नहीं पड़ता, मैं डायरेक्ट वैल्यू को पुट करता, हमारा ये प्रोफाइल कंप्लीट हो जाता। तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 30। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोफाइल है वो प्रोफाइल है हमारा 14। तो देखिएगा इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो चलिए यहाँ से मैं न्यू कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसे एक्सट्रूड कर सकते हो सिंपली इसको यहाँ जा करके, और यहाँ मैंने एक्सट्रूड अप्लाई कर दिया और 5 का थिकनेस मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। वैसा कुछ डिफाइन करना हो तो आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो हम लोग मूव करते हैं जो हमारा नेक्स्ट प्रोफाइल है उस पर। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रोफाइल है वो एक्सरसाइज नंबर 14 है, और देखिए ये प्रोफाइल दिखने में जितना कॉम्प्लेक्स है उतना ही सिंपली इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे।
बस जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है उसे अपने माइंड में रखना है और कुछ नहीं। तो यहाँ से मैं प्लेन डिफाइन कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं पहले दो एक्सिस डिफाइन कर ले रहा हूँ। देखिए हमेशा मैं एक रेफरेंस लेके चलता हूँ, उसका बहुत एडवांटेज है। आप देखते हो कि ईजिली मैं कहीं से भी ड्रॉ करता हूँ और अपने नेक्स्ट बाय नेक्स्ट स्टेप को मैं बढ़ते जाता हूँ ताकि हमारा जो भी प्रोफाइल हो वो ईजिली कम्प्लीट हो जाए। अब यहाँ पे मैं दो सर्कल ड्रॉ करूँगा, फर्स्ट सर्कल जो ये है और सेकेंड 90 का, और इसके अंदर भी एक प्रोफाइल है 45 का, और ये जो आर्क है वो 90 का। बट ये जो आर्क डिफाइन किया हुआ है इसका सेंटर जो है वो हमारे ये सर्कल का सेंटर है, उससे 22 डिस्टेंस पे है। एक्चुअली सर्कल में फर्स्ट सर्कल और एक यहाँ पे बड़ा सा सर्कल मैं डिफाइन कर लूँगा और ये कंसेंट्रिक सर्कल। अब देखिए ये अंदर वाले सर्कल को और इसको दोनों को मैं इक्वल कर ले रहा हूँ, दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। जो डायमेंशन है डायमेंशन दिया हुआ 90 का, क्योंकि ये दोनों अप्रॉक्स हमारा सेम डायमेंशन का, तो 90 मैंने कर दिया। ये जो सर्कल है 90 है यानी 180 इसका डायमीटर हो गया, और यहाँ से इसके बीच का जो डिस्टेंस यहाँ पुट किया हुआ है वो 22 है, तो ये मैंने 22 पुट कर दिया। और इनसाइड का जो ये है सर्कल उसका 45, डिस्टेंस जो गिवन है वो सेंटर टू सेंटर, इस सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस है 178 का है, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया। और हम लोग प्रोफाइल में आते हैं, तो प्रोफाइल में यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे प्रोफाइल में कह रहा है इससे टेंजेंट होते हुए, इससे हमारा क्या हो रहा है, ये सर्कल से सर्कल टेंजेंट है और ये दोनों का बीच एक रिलेशन है पैरेलल का, ये पैरेलल है और इससे टेंजेंट होते हुए यहाँ पे आर्क से टेंजेंट यहाँ पे डिफाइन होगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं सिंपल सा एक आर्क यहाँ से मैंने एक आर्क ड्रॉ कर लिया, एक रेंडम आर्क, और इसका जो रेडियस है वो मैंने 32 कर लिया जो यहाँ पे गिवन था, और एक सिंपल सा रिलेशन दूंगा दोनों के बीच का टेंजेंट का। अब सिंपली मैं लाइन पे जा रहा हूँ, इस लाइन से यहाँ पर टेंजेंट। देखिए आप जब मैं इसको टेंजेंट दे रहा हूँ, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, टच करते ही यहाँ पर देखिए टेंजेंट का रिलेशन आ रहा है, और जब यहाँ पे टेंजेंट देना हो तो बस आपको टच करना हो, जैसे आप टच करोगे तो जो पेंसिल का टिप है हमारा, देखिए पेंसिल के टिप के पास एक कोइंसाइड का और दूसरा टेंजेंट का सिंबल, सर्कल पे एक लाइन का सिंबल जो हमारा टेंजेंट का सिंबल है वो शो कर रहा है, बस अप्लाई कर देना है। इसका मतलब क्या है, वो टेंजेंट। अगर आप चेक करना चाहते हो तो इस लाइन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपका टेंजेंट का ये सिंबल हो गया और यहाँ पे ये टेंजेंट का सिंबल हो गया। सिमिलर यहाँ भी मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ भी टेंजेंट है, यहाँ भी टेंजेंट है, चलिए दोनों सही है। अब इस लाइन को कंट्रोल प्रेस करके मैंने दोनों लाइन को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसको मैं पैरेलल, इसको मैंने पैरेलल डिफाइन कर लिया। ट्रिम में मैं जा रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा प्रोफाइल जो मुझे नहीं चाहिए उसको मैं यहाँ से ट्रिम कर लूँगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ तक नहीं चाहिए। अब आप देखो कि ऑलमोस्ट जो प्रोफाइल है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए मैंने बोला था देखो जितना कॉम्प्लेक्स है उसको उतना ही सिंपल मेथड से हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे, बस जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दो आर्क डिफाइन किया हुआ 45 रेडियस का, ठीक है, इसको भी कैसे सिंपली हम लोग ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट आर्क यहाँ पे मैंने ये डिफाइन कर लिया, अगेन इस पॉइंट को इस पॉइंट से लेकर के बस ऐसा करना क्या है, इन दोनों का भी दिखेगा। मैं देखूँगा टेंजेंट का रिलेशन नहीं है तो इसको इससे टेंजेंट पहला, इस सर्कल से इस आर्क को कंट्रोल प्रेस करके यहाँ भी मैंने टेंजेंट दे दिया, तो ऑटोमेटिक ये दोनों जो सेंटर था यहाँ पर ये डिफाइन हो गया। अब देखिए आप दोनों का रेडियस ऑफ 45 डिफाइन कर दो, आप चाहो तो उसको भी 45 कर सकते हो या इक्वल का रिलेशन आप डाल दोगे तो मेरा भी काम बन जाएगा, आप जैसे चाहो डिफाइन कर सकते हो। और अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल जो दिया हुआ देखिए सारे कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये था हमारा प्रोफाइल। अब देखिएगा मैं चाहूँ तो यहाँ पे इस रेडियस को हटा करके मैं यहाँ डायमीटर को हटा के यहाँ पर मैं रेडियस डिफाइन कर दे रहा हूँ, आप ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारा डिफाइन हो चुका है।
तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 14। आई होप आपको एक्सरसाइज नंबर 13 और 14 दोनों क्लियर होगा। और कुछ भी एक्सरसाइज नंबर 13 और 14 के रिगार्डिंग कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।